पूरे गांव में मातम छाया हुआ है, पूरे गांव में चूल्हा नहीं जड़ा है, तो प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन ने कल भी आश्वासन देकर छोड़ दिया, क्योंकि कंडेला गाँव में कल भी जाम लगाया गया था। तो आज पहुंच रहे हैं जींद जिले के कंडेला गांव में, और आप देख सको कि यहां पर दोनों तरफ पेड़ काट काट कर जाम लगा दिया है। और जाम क्यों लगा दिया, क्योंकि कल एक 16 साल का लड़का कंडेला गांव का नहर में डूबने से जिसकी मौत होगी, तो उसकी डेड बॉडी बत नहीं मिली है, और इसलिए यहां पर गांव वाले ने जाम लगा रखा है, दोनों तरफ पेड़ काट कर और रोड पर गिर दिया। और आप देख सको बिल्कुल रास्ता जो जींद कैथल रोड है वो बिल्कुल जाम कर दिया है गाँव वाला ने, क्योंकि उस लड़के की डेड बॉडी भी नहीं मिली है, और प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि उस लड़के की डेड बॉडी को ढूंढा जाए, पता लगे कि कहाँ पे है कहाँ नहीं। और कल उसका जन्मदिन भी बताया जा रहा है उस लड़के का, कि लड़के का कल जन्मदिन था, तो वहाँ जाकर बात करेंगे गांव वालों से भी क्या चाहते हैं गांव वाले। तो गांव के दोनों तरफ जाम लगा दिया है, उधर से जींद साइड से जो रोड आ रहा है उधर भी जाम लगा दिया, आप देख सको पीछे लंबी लंबी लाइन लगी है जाम की, और उस तरफ भी जो नगूरा साइड से रोड आ रहा है कैथल साइड से, तो उस तरफ भी जाम लगा दिया है। और जाम आप देख सकते हो कि मतलब जाम लगा रखा, तो पूछेंगे कौन सी लड़का कौन सी लाइन में रुक रहा है। जींद आसिबराज में जी, जींद आसिबराज जो है उसमें खोखरी जो पुल है वहाँ वो डूबा है, नहाने गया था और वहीं रह गया। कल लड़के का जन्मदिन भी बताया जा रहा है। कल जन्मदिन था वो, तो वैसे ही स्कूल से बच्चे नादान थे, चार पाँच साथी इकट्ठे होकर वो वहाँ पहुँच गए। अच्छा। वो तो नहाने गए थे, उन्हें क्या पता आज लास्ट दिन उसका। 16 साल का था। हाँ जी 16 साल का था, कल ही 16 साल का हुआ था वो। अच्छा, जाम कल भी लगाया था क्या? कल लगा था जी, कल भी प्रशासन के अल्टीमेटम हमने उठा दिया, लेकिन आज प्रशासन बार बार बोल रहा है कि हम ऐसे करते हैं ऐसे, मैं कल ही नहीं किया आज क्या करेंगे, आज हम जाम खोलने वाले नहीं है, एम्बुलेंस को स्कूल को और ऐसे इमरजेंसी वाले को हम रास्ता दे रहे हैं, बाइक वाले को रास्ता दे रहे हैं, लेकिन जो प्रशासनिक गाड़ी हम उनको रोक रहे हैं, बिल्कुल रोक रहे हैं। तो मतलब कल से आज तक मतलब लड़के की कोई अता पता नहीं लगा? अता पता होता तो हम क्यों बैठते हैं यहाँ पे, हमारे घर में भी काम है, हम यहाँ इसलिए बैठे हैं, लड़के का कोई अता पता नहीं। दूसरी बात क्या है, कल प्रशासन से बात ये हुई थी, रवि खुंडिया जी आए थे DSP, उन्होंने बोला कि सुबह तक ये पानी खत्म हो जाएगा, नीचे डाउन हो जाएगा और नीचे पैर लग जाएंगे, हमने नदी बंद करा दी, हालांकि ना तो नदी बंद हुई और ना पानी कम हुआ, पानी बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, उसको खोलना और ज़्यादा गया है, बल्कि बंद करने की बजाय। तो प्रशासन से कोई पूछा, प्रशासन अधिकारी कोई? प्रशासन अधिकारी के पास, DC साहब के पास, यहाँ से गांव की पंचायत भी गई थी आज। अच्छा। लेकिन उन्होंने बात टाल दी सुबह। हाँ सुबह गई थी, उन्होंने बात हमें टाल दी, मतलब ऐसे लगा कि डेली ऐसे होता है, तो और भी जाते हैं। मैम जी अगर टेग्राम ने भी बात करी है, बात सभी करते हैं, चेयरमैन ने बात करी है, भाई इसका पानी बड़ा कम कर दो, प्रशासन ने कोई मारी हुआ नहीं करी मरी भी, मर वो एक लोता बेटा था। अच्छा। और आज उस परिवार में पूरे गांव में चूल्हा नहीं चला कल का। हाँ, और दूसरी बात यह है कि जो अल्टीमेट दिया था सरकार ने, भाई कल तक ये पानी भी कम हो जाएगा, गोता खोर भी आ जाएंगे, वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो फिलहाल जाम लगा रखा, तो ये प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है फिलहाल? कुछ नहीं कर रहा जी, हमारे नजर में कुछ है नहीं जी। अच्छा। हमारे नजर में तो कुछ है नहीं, अगर कार्रवाई होती तो हम क्यों बैठते हैं यहाँ पे? जाम कब तक लगा रहेगा? जब तक कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई नहीं, जब तक लड़की की डेड बॉडी नहीं, लड़की की डेड बॉडी मिल जाए हम दाग देते, हम क्यों बैठे हैं जी? तो जब तक जाम लगे, हमने कोई शौक नहीं है इस बात का, हमने कोई चाह नहीं हम रोड जाम करें, हमारा टाइम वेस्ट करें, क्योंकि फसल बुआई पे है और हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि प्रशासन ने कल हमने बात की तो सरकार ने बोला कि यहाँ पे हमारे पास गोताखोर नहीं है, फीस लेंगे गोताखोर, मैं क्योंकि भर्ती नहीं करते गोताखोरों की, भर्ती कर लो आप, युवा बतेरे बेरोजगार है, युवा बेरोजगार ही खत्म नहीं हो रही, वहाँ गोताखोर नहीं है, ऐसा क्यों? पिताजी क्या करते हैं? मिस्त्री है जी, छोटी दुकान है रोड के ऊपर, मिस्त्री है वो। भाई खोल तेरे बस निकल दो। देखो जो कंडेला जाम लगा रखा है, कल का जो लड़का है उस लड़के की डेड बॉडी नहीं मिली है, और लड़के का नाम क्या था सर? आर्यन था जी। आर्यन, तो आर्यन की डेड बॉडी तक नहीं मिली है, लेकिन जो जाम लगा रखा है यहाँ पे एम्बुलेंस या बसों को या कोई ज़रूरी काम से अगर कहीं जा रहा है तो उसके लिए रास्ता दिया जा रहा है। कल से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है, पूरे गांव में चूल्हा नहीं जड़ा है, तो प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन ने कल भी आश्वासन देकर छोड़ दिया, क्योंकि कंडेला गांव में कल भी जाम लगाया गया था, और इनका कहना है कि जब तक लड़के की डेड बॉडी नहीं मिल जाएगी आर्यन की, तब तक ये जाम को नहीं हटाया गया, क्योंकि अब तक पूरे गांव में चूल्हा नहीं जड़ा है, मातम छाया हुआ है। तो आपका क्या कहना है जरूर बताएं, तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये देखिए जो स्कूल की बसें आ रही है, स्कूल की बसों को रास्ता दिया जा रहा है, बच्चों को नहीं रोका जा रहा है, लेकिन बाकी दूर तक आप जाम देख सकते हो, जाम लगा हुआ है।